हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने दावा कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। वो राज्य की हाई प्रोफाइल सीट बादशाहपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि सीट पर वरिष्ठ नेता सुधा यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी समेत कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, साल 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैदान में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, तो अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। सिंह का दावा है कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से वो ही जीतने वाले उम्मीदवार हैं। खबरें हैं कि पूर्व सांसद सुधा यादव विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं। वो बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में नरबीर सिंह को टिकट मिलने की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। तो वहीं हालांकि अब तक पार्टी ने टिकट का ऐलान नहीं किया। इसके अलावा गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी बादशाहपुर और अहिरावल के टिकट वितरण में सक्रिय नजर आ रहे हैं। साल 2019 में हार का सामना करने वाले मनीष यादव भी टिकट की तलाश में हैं। वहीं खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव भी यहां पर एक्टिव दिख रहे हैं। इनके अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल यादव भी दावेदारी पेश करने में जुटे पड़े हैं। हालांकि जवाहर यादव साफ कर चुके हैं कि वो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करते रहेंगे। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से भी ये राज्य में सबसे बड़ी सीट है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 9 सीटों में से एक बादशाहपुर सेगमेंट में 4.5 लाख मतदाता हैं। रिपोर्ट में भाजपा के अनुमान के हवाले से बताया गया कि बादशाहपुर में करीब 1,25,000 अहीर, 60,000 जाट, 50,000 अनुसूचित जाति के सदस्य, तो वहीं 35,000 ब्राह्मण और 30,000 पंजाबी हैं। साथ ही यहाँ गुजर, राजपूत और मुस्लिम वोटर भी हैं। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि किसे मिलेगी यहाँ से सीट। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।